आज जो इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वी हैव हैक्ड। यस, हम हैक हो चुके हैं। आपको कैसे हैक हो चुके हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फुल डिटेल्स है। आज देखिए, आपको कोई पार्सल करना हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुछ चीज़ भेजना हो, तो उसमें आपको पैसे लगते हैं। बट आप कहीं यहाँ से कोई अदर कंट्री 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 5-5 घंटे अगर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल आप बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उसे कोई पैसे नहीं लगते हैं, है ना। अगर आप देखें कि जब हम कहीं जाते हैं सिनेमा हॉल, तो एक स्क्रीन होता है और सब उस पर हम लोग देखते हैं, लेकिन एक ही चीज़ होता है। टीवी आप देख ले, उस टीवी पे अगर कोई शो चल रहा है ना, तो एक ही शो चलता है, कुछ अलग नहीं रहता। सभी की टीवी पर एक ही रहता है, अलग कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम मोबाइल पे आप देख सकते हैं, आप अगर आप फेसबुक चलाते हैं, मेरा डिफरेंस है, आपका डिफरेंट है, सबका अलग अलग आता है स्क्रीन पर, आता है कि नहीं आता है। तो उसी तरह हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए कि ये जो आप YouTube चलाते हैं, उस पर भी देखना, मेरे YouTube पे कुछ और अलग आएगा वीडियोस, और आपकी YouTube पर अलग आया। जैसा हम सोचते हैं, जिस तरह की वीडियो हम देखते हैं ना, उसी तरह की ही वीडियो आपको दिखाता है वहाँ पे कि आप इसे देखो, आपके सामने वही वीडियो आ जाएगी। और आपने अगर एजुकेशनल देखा कंटेंट, तो उसी तरह की वीडियो आएगी। अगर आपने सिंगिंग वाली देखी, तो सिंगिंग वाली आएगी। अगर आपने उससे कुछ नया नया क्रिएटिविटी सीखा, तो वही आएगी। आप जिस तरह सोच रहे हैं, उस तरह आपको डोपामिन रिलीज करके वो दे रहा है, बात है कि नहीं है। तो आप इसी तरह देखिए कि एक छोटा सा ऐप जिसे हम बोलते हैं कि ट्विटर, इलॉन मस्क ने 44 बिलियन का ख़रीदा। और इतनी जो 44 बिलियन, कुछ कंट्री की तो जीडीपी भी नहीं है। लेकिन क्या मकसद था? पहले ज़माने में लोग तो क्या करते, जिसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है वो अमीर है। उसके बाद आया जिसके पास के बहुत सारे, मतलब कि वेपन है या बहुत सारे रोबोटिक है, तो उसके पास जो है वो बहुत अमीर है ना। अब उसके बाद अब आया जिसके पास डेटा है, जिसके पास बहुत सारा डेटा है ना, वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो बहुत ही कामयाब है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया है, अब डेटा वाला, जो कि इलॉन मस्क ने 44 बिलियन खर्चा, आप सोच सकते हो। तो हम लोग जो है ना, मेटावर्स में रह रहे हैं, और इसका अब यूज़ कैसे करना हमें पता है। अब बहुत से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है मेरे पास मोबाइल, लेकिन यूज़ कैसे करें? आपने कहा ठीक, हाँ देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अगर बारिश हो रही है और आपको उस जगह जाना ज़रूरी है, आप रुक नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप एक रेनकोट पहन लेंगे, एक छाता ले लेंगे, उसके बाद चलना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास मोबाइल है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आप खुद देखें। कभी भी अपने मोबाइल को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करें, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी कॉलिंग के लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इससे इन्फॉर्मेशन लें, आप इससे कॉल कर सकते, किसी से बात कर सकते, लेकिन आप एंटरटेनमेंट करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, आप अच्छा ग्रो नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या है कि मोबाइल से भी कभी कभी दूर रखना चाहिए। जैसे कि एक बहुत अच्छे कैनेडियन एक्टर जिसका नाम है क्रिस बेली, वो कहते हैं कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 8 बजे तक मोबाइल नहीं छेड़ता। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, हाइपर फोकस, जो कि बहुत अच्छी बुक है, इसका समरी मैं कुछ दिन में डालने वाला हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास मोबाइल है ना, तो इसको लिमिटेड यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। आपको कैसे अच्छी नहीं हो सकती? आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ उससे सीख नहीं रहे, ठीक है ना। बस सीखिए, उसके बाद मोबाइल बंद करके रख दिए, अपने लाइफ में डिसिप्लिन बनाइए कि हमें इतना ही टाइम तक छेड़ना, उससे ज़्यादा नहीं, तब आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो, थैंक यू।